ठीक है। तो आज एक टॉपिक के लिए लाए हुए हैं जी। टॉपिक ये है कि आप सब लोग मीशो से वो करते हो, शॉपिंग करते हो, राइट। जो रीसेलिंग करते हैं उनका तो चलो ठीक है। रीसेलिंग में क्या होता है, आप कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का फोन नंबर आप डाल देते हो। अरे यार, ये रितु शर्मा ही पूछ रहे हैं, आज आप लाइन नहीं आए सर। करते हैं मीशो से, तो वो कस्टमर का डायरेक्ट नंबर डाल देते हो आप लोग, राइट। तो वो कोई इशू नहीं है, कस्टमर का एड्रेस चला जाता है और कस्टमर का मोबाइल नंबर चला जाता है और मीशो उसके घर पे डिलीवरी कर देती है, कूरियर बॉय पैसे ले लेता है। अगर COD है, ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं। आज एक नया सीन सामने आया, मैं उन मैम का नाम नहीं लूंगा, सुबह उनका मुझे मैसेज आया। उनके साथ क्या सीन हुआ कि मीशो में से उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब देखो, ऑनलाइन शॉपिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने घर वालों से नहीं मंगवा सकते, खासकर लेडीज, कोई उनका पर्सनल सामान होता है, ठीक है। तो उन मैम ने मीशो में से कोई अपनी पर्सनल चीज़ ऑर्डर की, तो ऑर्डर हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर हो गया, वो जो प्रोडक्ट था वो डिलीवर भी हो गया, मतलब मैडम के घर पे डिलीवर हो गया। तो वो डिलीवरी से पहले कुरियर बॉय की कॉल आती है ना, तो कुरियर बॉय की कॉल आई कि मैम आपका ऑर्डर आया, पार्सल आया, आप ले लो। तो मैम ने पार्सल ले लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुरियर बॉय ने मैडम के नंबर पे व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप पे उनकी DP लगी हुई थी और उसने व्हाट्सएप मैसेज करना स्टार्ट कर दिया मैम को। तो वो परेशान हो गए मैडम। तो मैम ने क्या किया, कुरु बॉय को बोल दिया कि मेरे को तेरा मैसेज नहीं आना चाहिए, तो तू देख ले, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। उस कमीने इंसान ने क्या किया, 10 लड़कों को उन मैम का नंबर दे दिया। अब उन मैम को पहले तो 1 नंबर से कॉल आती, फिर 10 नंबर से कॉल आनी स्टार्ट हो गई, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से। और होता गया है, इस लड़के ने नंबर किनको दिया, जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले होते हैं, तो वो ट्रू कॉलर में शो होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग। तो वो बड़े परेशान थे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे और मुझे सारी बात बताई। तो जिस नंबर से ज्यादा बार कॉल आई हुई थी ना, मैंने उस नंबर पे बैक कॉल किया, तो मेरा फोन नहीं उठाया बंदे ने, फोन नहीं उठाया। उसके बाद मुझे बैक कॉल आ गई, कहता जी कौन बोल रहे हो। मैं कहा भाई आप कौन बोल रहे हो। वो भाई मतलब वे ऑफ टॉकिंग से वो लगा मुझे UP और बिहार का, तो जैसे वो अनपढ़ से नहीं होते भैया लोग वैसा। तो मैंने कहा भाई आप, मैम का नाम कुछ और था, मैम ने आई थिंक वहां पे कुछ और नाम, डॉली नाम बता रखा शायद। तो मैंने कहा यार तू एक मैम को फोन करता है बार बार, तेरे को क्या तकलीफ है। तो मैंने उसको नाम नहीं बताया, वो कमीने ने नाम खुद से बोला कि उन मैम को। मैं कहा हाँ, कहता तेरे को क्या तकलीफ है। फिर भैया मैं पंजाबी में शुरू हो गया, मैं कहा साले पंजाब से हूँ, तेरी ऐसी माँ बहन एक करूंगा ना, और जहाँ पे तू बैठा है तेरे को वहीं से घसीटता हुआ पंजाब लेके आऊंगा। तो मैम के बारे में गलत वलत बोलने लग गया। मैं कहा तेरी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और तेरी मैंने कंप्लेंट भी लॉग इन कर दी है, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तुम लोगों ने जो गंद डाला हुआ है ना, भैये लोगों ने, साले 5-4 लोग आप इकट्ठे होके ग्रुप बना लेते हो और ऐसे लेडीज को तंग करते हो। मैं कहा मैम ने सामान लिया मीशो से, मीशो कॉल करे उनको, सामान के बारे में बताए, तू कौन होता है भड़वे उनको बताने वाला, जो आपने ये सामान लिया इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं। मैंने बहुत गालियां निकाली जी। अब गालियां पंजाबी में कैसी होती है मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। फिर मैंने उन मैम को रिकॉर्डिंग भेजी ताकि उनको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैम मैंने ये रिकॉर्ड किया और देखिए मैंने उसको कैसे गालियाँ निकाली। तो उन मैम को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो वो डर जाएगा, साला मुझे धमकी दे रहा है, कहता मेरे साथ तूने ऐसा किया मैं ये कर दूंगा। कहा तू मेरे सामने आज साले टांग पे टांग रख के तेरे को फाड़ के खाना गया तो बोलना। ये सारी बात आपको किस लिए बताई है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं खुद के लिए, प्लीज वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर कभी भी डिलीवरी वाले एड्रेस पे ना दे, अपने हस्बैंड का दो। अगर आप हस्बैंड से नहीं शेयर करते कोई बात कि हमने कोई सामान मंगवाया, अगर आपके अच्छा नहीं समझते ऑनलाइन शॉपिंग को, तो अपने भाई का नंबर दे दो, अपने भाई को बोल दो पहले फोन करके कि कोरियर बॉय की कॉल आएगी तो मुझे बता देना, तो या किसी आस पड़ोस,
कहीं पे कोई ऑप्शन ना मिले तो मेरा नंबर दे देना, कोई बात नहीं, मैं भी हैंडल कर सकता हूँ। तो आप सबको ये बात समझाई इसलिए है ताकि जो आपका पर्सनल नंबर है वो किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाए। ऑनलाइन शॉपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पर्सनल नंबर उस एड्रेस के साथ मत दो। जब भी नंबर देना अपने हब्बी का दो, भाई का दो, बेटे का दो। अपना, अपनी बेटी का ये नंबर आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्लीज मत दिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो इसी चक्कर में मैं लाइव आया था आज। अब मेरे को सिर्फ वर्षा जैन जी के कमेंट्स शो हो रहे हैं और किसी का मैसेज नहीं शो हो रहा। तो लाइव देखने वाले यार कम से कम एक मैसेज कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चलता रहे कि लाइव में कौन है और कौन नहीं है, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन किन किन लोग तक पहुंची। अगर हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये जो प्रोसेस है, कल मैंने आपको बताया था बैंक के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो बैंक के नाम पे ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं लोग, उनका प्रोसेस बताया था मैंने। तो आज आपको बताया कि ये एक नया फंडा हो गया कि मीशो में जो हम एड्रेस डालते हैं वो कुरियर बॉय के पास चला गया। कुरियर बॉय जब डिलीवरी करने आया, उसने बाय लुक मैम को देख लिया और मैम का नंबर उसके पास था, उसने उसको अपने मोबाइल में सेव करके मिसयूज करना चाहा। बट वो मैम की आइसोल्यूट कि उन्होंने मेरे साथ बात शेयर की और मैंने उनको गालियां निकाली हैं, उन बंदों को जो मैम को फोन करते थे। तो क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर में या अपने हस्बैंड की नेचर की वजह से उनसे बात नहीं कर पाती ऐसी बात, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है कि हम किससे बात करें। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो ये है ना, क्या इसको बोलते हैं, अपना माहौल होता है जिसको हम बोल देते हैं, जो अपने ह्यूमन नेचर है, उसमें क्या होता है कि लेडीज को ज्यादा गलत माना जाता है कि तेरी को गलती होगी, तेरा नंबर कैसे चला गया, किसी और का नंबर नहीं गया, ये सब चीजें होती है। तो इस चक्कर में थोड़ा हो जाता है। एक सेकंड होल्ड करना जी, मेरे को ना एक सेकंड होल्ड कर लो। तो ये बात थी जो मैंने आपको समझानी थी। तो प्लीज यार एक एक कमेंट कर दिया करो, जो जो बंदे देख रहे हैं। वर्षा जी ग्रुप क्या मैम? तो यार प्लीज ऐसी वीडियो जो होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है, जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑनलाइन फ्रॉड की या ऐसी कोई दिक्कत वाली, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो आगे, ताकि जो लोग लाइव में नहीं आ रहे ना, अगर बाद में वो वीडियो देखें तो उनको थोड़ा अलर्ट हो जाता है इंसान कि यार ऐसा कुछ भी दुनिया में होता है। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि यार वीडियो शेयर कर दिया करो, कमेंट आपने नहीं कर रहे, आपको शर्म आ रही है कमेंट करने में, दैट इज अनदर थिंग। तो कमेंट कर दोगे तो अच्छा होगा, वरना आई यू विश। तो भी वर्षा जी के बिना और किसी का कमेंट नहीं आ रहा। मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने आप सबको दे दी। अब आपने कमेंट करने है तब भी ठीक है, नहीं करने तब भी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो टेक केयर जी, बाय बाय सबको। कोई बात नहीं बच्चा, हम फोर्थली किसी को नहीं कह सकते कि कमेंट करो, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कोई करता है तब भी ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट मेरी बात तो सुनी ली होगी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, मैं जा रहा हूँ अब। टेक केयर, जो बात कही है उसका ध्यान रखिए, लाइव को दोबारा देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज में मैसेंजर कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू आप सबका।